मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल के मौके पर इंदौर के पंचशील नगर में रहने वाले दो निर्धन परिवार के बीच पहुंचे। इन दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सबसे पहले एयरपोर्ट के समीप स्थित पंचशील नगर में रहने वाली द्वारकाबाई इंगले के घर पहुंचे। अपने घर पर सीएम चौहान को देखकर द्वारकाबाई की आंखों से आंसू छलक पड़े। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके इलाज में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और सारा खर्च शासन वाहन करेगा। पैरालिसिस के चलते द्वारकाबाई बिस्तर पर रहने को मजबूर हैं। शिवराज सिंह ने द्वारकाबाई के घर चाय भी पी। इसी कॉलोनी में सीएम ने दिव्यांग शुभांगी कामले को लैपटॉप और बैटरी चले ट्राइसिकल प्रदान की। इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित आदित्य सावंत को आर्थिक मदद दी। यही नहीं, कल्याणी दीपाली को पेंशन योजना पत्र दिया और रोजगार के लिए सिलाई मशीन भी दी। इन सभी निर्धन परिवारों को मदद देने के बाद सीएम चौहान ने कहा कि निर्धन बस्तियों में नए साल का पहला दिन मनाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई थी, उनके जीवन यापन की व्यवस्था की है। अन्य निर्धन लोगों को मदद करने का निर्देश प्रशासन को दिया है। नए साल में प्रण लिया है कि मैं इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा। लकवाग्रस्त द्वारकाबाई के बेटे गोविंद ने गाना गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।